हेलो गाइज, सेविंग फंड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप HDFC के जबरदस्त प्लान में सिर्फ एक बार 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो फिर आपको 1,52,00,000 रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, हर महीने 28,000 रुपए की एक फिक्स मंथली इनकम भी मिलेगी और वो भी लाइफ टाइम तक। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, सिर्फ एक बार 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पर जीवन भर आपको 28,000 रुपए की मंथली इनकम मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके पास कम पैसे हैं और उन कम पैसों को इन्वेस्टमेंट करके मंथली इनकम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 लाख रुपए एक बार इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न हमें कितना ही मिलेगा, नाम मात्र का। तो हम में से दोस्तों अधिकतर लोग यही सोचकर है जो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है कि कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके कितना ही है जो रिटर्न कमा लेंगे। तो अगर आप भी दोस्तों ऐसा थॉट रखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि कम पैसा भी अगर आप एक सही जगह और सही समय पर इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कम पैसा भी दोस्तों आपको करोड़ों रुपए का जो फंड बनाकर देने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोगों ने दोस्तों इसी तरीकों का जो यूज़ किया है। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक मंथली इनकम के साथ में 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की फाइनल मैच्योरिटी चाहते हैं, यानी दोस्तों ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप चार्ज करना है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है 4 से 5 मिनट का टाइम निकालकर वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, HDFC के इस प्लान में सबसे पहले हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट सिर्फ एक साल में 60% से ज़्यादा का जो रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पर 30% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। वहीं यहाँ पर पिछले 5 साल में 24.67% का जो रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, जबकि यहाँ पर दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 22% से ज़्यादा का जो रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, और वो भी एनुअल कंपाउंड करके। तो यहाँ पर दोस्तों इस रिटर्न के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मान लीजिए आप 2 लाख रुपए वन टाइम लम सम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, जिस पर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं एनुअल टाइम का 20%, क्योंकि दोस्तों इस फंड का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 22% से ज़्यादा का है। तो हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर में भी 20% का जो रिटर्न मिल जाए। तो इस हिसाब से अगर आप 2 लाख रुपये लगाकर छोड़ देते हैं वन टाइम लम सम आने वाले 5 साल तक, तो उस पर यहाँ पर 2,97,000 का जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा, यानी दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट मिलाकर जो फंड की फाइनल वैल्यू है वो यहाँ पर 4,97,000 यानी करीब 5 लाख रुपए हो जाएगी। जबकि 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 2 लाख रुपए पर 10,38,000 रुपये का जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा, यानी फंड की जो टोटल वैल्यू है वो बढ़कर 12,38,000 रुपये हो जाएगी। जबकि दोस्तों 15 साल के टाइम पीरियड में आपके 2 लाख रुपये पर 28,81,000 रुपये का जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा, और फंड की जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर 30,81,000 रुपये हो जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों, जितना लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटर्न उतना ही है जो आपको कंपाउंड होकर हाई मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का आपको फंड बनाने का टारगेट है, तो 2 लाख रुपये को आने वाले 22 साल तक आप इन्वेस्टमेंट रखकर छोड़ देते हैं तभी उसकी वैल्यू 1,10,00,000 रुपये होगी। वहीं कम टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का टारगेट है कम टाइम के अंदर, तो फिर 10,00,000 रुपये आप वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं आने वाले 13 साल के लिए। तो 20% रिटर्न के हिसाब से मात्र 13 साल के अंदर ही आपके पास 1,06,00,000 रुपये का जो फंड बन सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों आपको रिकमेंड नहीं करूँगा एक बड़ा अमाउंट लगाने के लिए, क्योंकि मार्केट में दोस्तों करेक्शन आते रहते हैं छोटे मोटे, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिले और आपके पैसे जो लॉस भी हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बड़ा अमाउंट लगाने के लिए आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कि मात्र 2 लाख रुपए एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट करके मंथली इनकम कैसे शुरू कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 2 लाख रुपए अगर आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपके पास करीब 30,00,000 रुपए का जो फंड बनेगा, और उससे आप दोस्तों यहाँ पर 28,000 रुपए की फिक्स मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। चलिए इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा एक बढ़िया टर्म लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आप मंथली 400 से 500 रुपये पे करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर 1 करोड़ रुपये का टर्म लाइफ इंश्योरेंस है जो हासिल कर सकते हैं। वो कैसे, इसके लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिस पर क्लिक करके आप है जो policybazaar.com की वेबसाइट पर जाकर आप मंथली मात्र 400 से लेकर 500 रुपये मंथली पे करके 1 करोड़ रुपये का जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। बिल्कुल इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आप फैमिली में कमाने वाले अकेले व्यक्ति हैं और आपके साथ कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी वो आपको अच्छे से जो पता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों अगर आप 400 से 500 रुपये मंथली देकर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और आपके साथ मान लीजिए कुछ भी होता है,
तो बिल्कुल दोस्तों आपके नॉमिनी यानी आपकी फैमिली को जो 1 करोड़ रुपए का बीमा मिलेगा। तो पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप चेकआउट जरूर कराएं। चलिए कैलकुलेशन पर वापस आते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 15 साल में जो 30 लाख रुपए का फंड बना है, उसको अगर आप HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि काफ़ी बढ़िया फंड है SWP प्लान के लिए, तो SWP प्लान यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं 30 लाख रुपए, जिसका ऑल टाइम रिटर्न है दोस्तों यहाँ पर 16% से ज़्यादा का है, लेकिन हम सिर्फ 14% का या जो एक्सपेक्ट करते हैं, और आप 28 लाख रुपये का 1% यानी कि 28,000 रुपये की मंथली पे आउट लगाते हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड में 10 साल के हम टाइम पीरियड की बात करें तो 28,000 रुपये मंथली इनकम के थ्रू 33,60,000 का आपको जो विड्रॉल मिल जाएगा, और आपके 28 लाख रुपये की वैल्यू भी अलग से बढ़कर 34,75,000 रुपये हो जाएगी। जबकि दोस्तों हम 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 28,000 रुपये मंथली इनकम के जरिए 67,20,000 का आपको विड्रॉल मिल जाएगा, और 28 लाख की वैल्यू भी अलग से बढ़कर 59,81,000 रुपये हो जाएगी। जबकि दोस्तों लॉन्ग टर्म पीरियड यानी आने वाले 30 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 28,000 रुपये हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे, जिसके थ्रू 1,80,00,000 का आपको विड्रॉल मिल जाएगा, और आपके 28 लाख रुपये की वैल्यू भी अलग से बढ़कर 1,52,00,000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितना किया था, सिर्फ एक बार 2 लाख रुपये, और उसको आपने 15 साल के लिए छोड़ा था, जिससे यहाँ पर दोस्तों आपके पास टोटल 30 लाख रुपये का जो फंड बना था, और उस फंड को 16वें साल आपने HDFC के SWP प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बाद आपको हर महीने लाइफ टाइम तक मंथली इनकम मिलना शुरू हुई थी। तो ये हुई दोस्तों यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन। अब HDFC के दोस्तों इन दोनों फंड्स की बात करें तो यहाँ पर लमसम के लिए HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफ़ी शानदार फंड है, जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और इसका जो टोटल फंड साइज है यानी AUM वो 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं। बात करें सबसे इम्पोर्टेंट इस फंड के होल्डिंग्स की, तो यहाँ पर इसमें द इंडियन होटल्स, अपोलो टायर्स, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी इंडिया की टॉप कंपनी हैं जिनके अंदर इस फंड का पैसा है वो इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों ये वो कंपनीज हैं जिनकी ग्रोथ काफ़ी शानदार हो रही है, यानी आने वाले टाइम में ये कंपनीज आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर देगी। फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे की बात करें तो वो यहाँ पर 0.77% का है, जबकि एग्जिट लोड 1% है। बात करें दोस्तों दूसरे फंड यानी SWP के लिए बेस्ट फंड की, तो वो यहाँ पर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो कि फंड साइज के हिसाब से काफ़ी बड़ा फंड है, यानी 78,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसे लोगों ने इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, काफ़ी बढ़िया फंड है। इस फंड के अगर हम टॉप होल्डिंग्स में देखें तो यहाँ पर HDFC बैंक, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा ICICI बैंक और NTPC लिमिटेड जैसी टॉप इंडिया की जो ग्रोथ कंपनीज हैं उनमें है जो इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि रिटर्न्स कितने कंसिस्टेंट मिलेंगे। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पर 0.74% का है। दोस्तों दोनों फंड के अगर हम टैक्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना होगा, जबकि अगर आप 1 साल के बाद कभी भी विड्रॉल करते हैं और आपको किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है तो ऐसे में आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से वो देना होता है। HDFC अगर हम फंड हाउस की बात करें यानी कि AMC की, तो इंडिया में नंबर 2nd रैंक पर है, जिसका टोटल AUM 6,28,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर एक मंथली इनकम के साथ एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों HDFC के शानदार प्लान में आप इन्वेस्टमेंट करके यानी कि मात्र 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करके आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देना होगा 15 साल तक, उसके बाद आपको लाइफ टाइम तक 28,000 रुपये की फिक्स मंथली इनकम मिलेगी, साथ ही साथ आपको फाइनल मेच्योरिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लें, देन उसके बाद ही अपने पैसे जो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती है। मार्केट में छोटे मोटे करेक्शन आते रहते हैं तो वहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर है जो आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर है जो छोटे मोटे करेक्शन का आपको कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं यहाँ पर दोस्तों आप मात्र 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके हर महीने 8,000 रुपये की मंथली इनकम लेना चाहते हैं HDFC प्लान से, तो आप दोस्तों साइड में ये वाला वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर एक बार आप 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 8,000 रुपये की मंथली इनकम ले सकते हैं लाइफ टाइम तक। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप चेकआउट जरूर कराएं। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कराएं। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट
और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।